अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ एवं JCA के संयुक्त तत्वावधान में पूरे देश में डाक कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल किया। उसी क्रम में सोमवार को गोलघर स्थित प्रधान डाकघर कार्यालय पर डाकघर के कर्मचारियों ने कामकाज ठप करके हड़ताल पर बैठ गए, जिसके संबंध में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के क्षेत्रीय मंत्री अरविंद सुमन ने बताया कि नई पेंशन योजना को समाप्त करके पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाए। इस अवसर पर उपाध्यक्ष अजय यादव, संगठन मंत्री अरविंद कुमार, सुमन सुनील सिंह, अजय कुमार, दुर्गा प्रसाद, रामा शंकर यादव, विक्रम कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के क्षेत्रीय मंत्री अरविंद कुमार सुमन ने कहा, अरविंद सुमन नाम है, क्षेत्रीय मंत्री नेशनल यूनियन गोरखपुर। ये भारत सरकार के कर्मचारी श्रमिक वृद्धि विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतवर्ष के तमाम केंद्रीय सरकार के कर्मचारी 28 और 29 तारीख को हड़ताल का आयोजन किए हुए हैं। हमारा डाक विभाग भी केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर ही 2 दिन के हड़ताल में शामिल हुआ है। हमारी प्रमुख मांगों में जो सरकारी कार्यालयों का सरकारी विभागों का जो निजीकरण किया जा रहा है उसके विरोध में हमारा प्रदर्शन है। हमारा पुराने पेंशन को लागू करने के लिए है, नई पेंशन योजना को समाप्त करके पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाए। हमारे विभाग में डाक कोरोना संक्रमण काल में 18 महीने का DA एरियर सरकार ने उसको फ्रीज कर दिया, उसका भुगतान आज तक सरकार ने नहीं किया है। उसको भुगतान करने के लिए हम लोग लामबंद हुए हैं। हमारे विभाग में तमाम रिक्तियां पड़ी हुई हैं, उस पर सरकार बहाली नहीं कर रही है और कर्मचारियों की संख्या के कम रहने के कारण जो कर्मचारी कार्यरत हैं उन पर काम का बोझ इतना अधिक बढ़ गया है कि ऑफिस आने का समय तो निर्धारित है लेकिन यहाँ से जाने का कोई समय निर्धारित नहीं है। सरकार ने विभाग में हम लोगों को टेक्नोलॉजी लाया है, नए नए सिस्टम लाए हैं, नया नया नेटवर्किंग सिस्टम आया है, कार्य की व्यवस्था काम करने की शैली चेंज हो गई है, सारे काम टेक्नोलॉजी पर आधारित हो गए लेकिन सरकार हमारे नेटवर्किंग व्यवस्था को सही नहीं कर रही है। आए दिन नेटवर्किंग फेल होता है, सर्वर डाउन होता है, पब्लिक का लाइन लगा रहता है और हमारा सर्वर नहीं चलने के कारण सिस्टम काम नहीं करने के कारण काम हम करने में असमर्थ हो पाते हैं। इसीलिए भारत सरकार से हम भी मांग करते हैं कि डाक विभाग में 4G नेटवर्किंग की व्यवस्था तमाम कार्यालयों में किया जाए और सर्वर डाउन की जो हमारे पास जो समस्या है उस सर्वर डाउन की समस्या को खत्म किया जाए ताकि हम तमाम डाक कर्मचारी पब्लिक की सेवा देने में सक्षम रहें और उनके समय पर कार्य का निस्तारण करते रहें।